नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धोराधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है एचयू पुलिस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 11 अगस्त 2019 को, तो उसमें जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। तो उस मामले को लेकर जो है पुलिस ने जाँच करी थी और दोबारा से जो है एग्ज़ाम लिया गया था 8 सितंबर 2019 को। तो उसके बाद जो है उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो इसी प्रकार जो है जो फर्जीवाड़ा जो है वो HRTC कंडक्टर की भर्ती जो हुई थी और वन रक्षक की जो भर्ती थी उसमें भी देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी जो है सही से बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर जो है हम एजुकेशन के रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड और कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट निकलती है हिमाचल में, तो उसकी जो है हम वीडियो जो है बना के आप तक जो है पहुँचाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हिमाचल की हर अपडेट जो है आपको इस चैनल के द्वारा जो है मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा, खुद भी खाकी पहनना चाहता था केतन, लिखित परीक्षा करवाने को लेकर हुआ था विक्रम से संपर्क। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े का दूसरा मुख्य आरोप खुद भी खाकी पहनने का चाहवान था। इसी के चलते वे विक्रम के संपर्क में आया था लेकिन किसी कारणवश वे खाकी नहीं पहन सका था। इसके बाद उसने क्षेत्र के ही अन्य युवाओं को विक्रम की सहायता से भर्ती करवाने के लिए जो है संपर्क करवाने का जो है कार्य शुरू कर दिया था। यह खुलासा पुलिस अधीक्षक जो है विमुक्त रंजन के पास सरेंडर करने वाले पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े के दूसरे मुख्य आरोपी केतन चौधरी ने किया है। तो दूसरा आरोपी जो है उसने सरेंडर कर दिया है पुलिस के पास। तो गौर रहे कि 11 अगस्त 2019 को हुए पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े में अब तक 36 गिरफ्तार हुए हैं हो चुकी हैं। तो इसके फर्जीवाड़े के दो मुख्य आरोपी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो आगे इन्होंने बता रखा है यहाँ पर कि फर्जीवाड़े के आरोपी में मुख्य आरोपी जो है मानने जा रहे हैं कि विक्रम चौधरी ने दिसंबर में सरेंडर किया था। विक्रम ने पुलिस पूछताछ में कई लोगों के नाम उगले थे क्योंकि कई नाम जो लोगों के जो है उन्होंने नाम जो है बताए थे विक्रम चौधरी ने, तो वो भी पकड़े गए हैं। तो टोटल जो है 36 जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जिन्हें उनके फर्जी तरीके से भर्ती करवाने में मदद की थी। विक्रम ने बताया कि उसने 9 पुलिस जवानों सहित 4 HRTC की कंडक्टर जो है HRTC की कंडक्टर भर्ती और जेल वार्डर की भर्ती की लिखित परीक्षा फर्जी तरीके से पास करवाई थी। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद 25 जनवरी को दूसरे मुख्य आरोपी केतन चौधरी ने भी SP कांगड़ा के समक्ष सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि फर्जीवाड़े के दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो ये थी आज की अपडेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HE पुलिस के द्वारा जो है ये अपडेट जारी करी गई है। तो ये आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आने वाली जो है भर्तियाँ हैं उसके लिए जो है जो भी भर्ती देंगे तो उसके लिए जो है आप ऐसा ना करें क्योंकि फर्जीवाड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगा। तो जो HP पुलिस की जो भर्तियां हुई हैं तो उसमें जो है ये HRTC की भर्ती हुई है और जो जेल वार्डर की भर्ती हुई है तो इसमें जो है फर्जीवाड़ा जो है देखने को मिला है। तो जो वन रक्षक की भर्ती थी उसमें भी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी पहले, तो उसमें भी जो है इन्होंने न्यूज़ जो है डाली हुई थी मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें और चैनल को भी जो सब्सक्राइब है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।